Hi guys, welcome to my channel. Today I am explaining you question answers of chapter How the Dog Found Himself a Master of class 6th. Discuss these questions in pair before you write the answer. Question 1. Why did the dog feel the needs for a master? Dog ko kyon feel hua ki use master chahiye? Answer is the dog was sick and tired of going about alone in search of food and he did not feel safe, so he decided to have a master. Dog kya tha? Dog sick tha, bimar tha aur thaka thaka rehta tha aur khane ki talash jo thi wo akele hi use karni padti thi, isiliye usne ye safe samjha ki use ek master mil jaye. Question number 2. Who did he first choose as his master? पहला उसने कौन सा अपना मास्टर चुना? Why did he leave that master? उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया? Answer is the dog first choose a wolf as a master. Dog ने क्या choose किया? पहले wolf को choose किया as a master. But he found the wolf afraid of the bear. मगर उसने देखा जो wolf था वो bear से डरता था. So he left the company of the wolf. इसीलिए उसने wolf को छोड़ दिया. क्वेश्चन नंबर 3. हु डिड ही चूज नेक्स्ट? उसके बाद उसने किसको चुना? नेक्स्ट द डॉग चूज अ बियर एज हिज मास्टर. किसको चूज किया उसने? बियर को, भालू को. बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, क्योंकि वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग था. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्यों उसने, डॉग ने लॉयन की बहुत लंबे समय तक सेवा की? आंसर इज द डॉग सर्व्ड द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी बहुत लंबे टाइम तक. सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर. दूसरा वो उसके साथ सेफ था और सिक्योर था. नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिसप्लीज हिम. किसी भी जंगली जानवर की हिम्मत नहीं थी कि वो उनको डरा सके. क्वेश्चन नंबर 5. हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई? डॉग ने फाइनली लास्ट में कौन सा मास्टर चूज करा और क्यों? आंसर इज द डॉग फाइनली चूज अ मैन एज हिज मास्टर. उसने मैन को चूज करा लास्ट में. इवन द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन. लॉयन भी जो था वो मैन से डरता था. सो द डॉग वॉज कन्विंस्ड that man was a strongest creature on earth. Man जो है वो सबसे ज़्यादा strongest creature है earth पर. Question number 2. Summary of the story is given below. Fill in the blanks to complete it. Take appropriate phrases from the box. A dog stronger than anyone else. The strongest of all. A wolf. The bear afraid of man. His own master, a lion. These are the sentences जो कि इन fill in the blanks में आपने लिखनी है. This is the story of a, क्या जाएगा, किसकी story है? A dog who used to be his own master. He decided to find a master stronger than anyone else. First he found a dash a wolf. सबसे पहले उसने wolf को ढूंढा था. But the wolf was afraid of the, किससे डरा हुआ था wolf? Bear से. तो the bear. Then the dog thought that the bear was the dash strongest of all. क्या जाएगा? Strongest of all. After some time the dog met a, कुछ समय के बाद डॉग किससे मिला? ए लायन. हु सीन द स्ट्रॉन्गेस्ट? ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम. वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वॉज डैश अफ्रेड ऑफ मैन. टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैंस बेस्ट फ्रेंड. Each word in the box given below indicates a large number of, for example, a herd of cows refers to many cows. Complete each of the following phrases with the suitable words from the box. ये box में words दिए हुए हैं, आपको
जो जहाँ मैच करता है वहाँ पर आपने लिखना है। फर्स्ट है ए डैश ऑफ शिप्स, तो क्या आ जाएगा, फ्लीट, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। इसी तरह से नीचे ए बंच ऑफ फ्लावर्स, थर्ड नंबर पे ए ब्रूड ऑफ चिक्स, फोर्थ ए हर्ड ऑफ कैटल, फिफ्थ में ए बंडल ऑफ स्टिक्स, सिक्स्थ ए फ्लॉक ऑफ शीप, सेवेंथ ए स्कूल ऑफ फिश, एट्थ ए पैक ऑफ वुल्फ्स। मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिविन बिलो बाय एडिंग एन ई डबल एस और आई टी वाई। फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू एड जस्ट टी वाई और वाई। ऑनेस्ट है तो क्या हो जाएगा इसका, ऑनेस्टी, टी वाई लग जाएगा। सेकेंड वर्ड काइंड, काइंडनेस, क्रूएल, क्रूएलिटी। फोर्थ क्लेम, क्लेमनेस, सैड, सैडनेस। सिक्स्थ एक्टिव, एक्टिविटी। सेवेंथ क्रिएटिव, क्रिएटिविटी। सीन्स, सिंसियरिटी। नाइन्थ चीयरफुल, चीयरफुलनेस। बिटर, बिटरनेस। सेंसिटिव, सेंसिटिविटी। ग्रेट, ग्रेटनेस। गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।